जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के क्या है कोई महान नहीं होता, जब तक चुनना पड़े हथौड़े के एक पत्थर भी क्या है भगवान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आपके YouTube चैनल और आपके पोल्ट्री चैनल सिलेक्शन विद्या चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री का फार्म भरने वाले हो या आने वाले समय में भरने वाले हो, या अगर आपने भर दिया है या आप पोल्ट्री करना चाहते हो, मैं एक शब्दों में कहना चाहूंगा, अगर आप पोल्ट्री के बारे में सोच भी रहे हो, करने वाले हो, तो ये वीडियो आपको आप लोग के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज आपको हम बताएंगे कि पोल्ट्रीनिंग में आपको कौन सा आपको क्या है ग्रुप चूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग ग्रुप में जाना चाहते हो तो 2-3 साल की डिग्री 2 साल में कैसे पा सकते हो, इस पर भी आपको हम बताएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपने गलती से आपने साइबर कैफे वाले पास गए और साइबर कैफे वाले आपको पूछेगा कि आपको किस ग्रुप से फॉर्म भरना है और आपको पता ही नहीं है, तो मान लीजिए आपको ये ग्रुप से जाना था, इंजीनियरिंग करना था, और आपने अगर ई डाल दिया तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी आप एक इंजीनियर से डॉक्टर बन जाओगे। और मान लीजिए आपको ई से भरना था और आपने ये डाल दिया तो आप जैसे मान लीजिए आप डिफार्मा बिफार्मा करना चाहते थे और आपने ये के डाल दिया तो आप एक क्या है इंजीनियरिंग क्षेत्र में चले जाओगे, ना कि आप एक बायो क्षेत्र में जाओगे मेडिकल के क्षेत्र में, है ना। तो साथ अगर आप एक डिजाइनर बनना चाहते हो क्या, हर चीज आपको हम बताएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से डिप्लोमा करना चाहते हो तो भी आपको हम बताएंगे, है ना, एयरक्राफ्ट से या डिप्लोमा इंडस्ट्री, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, इस पर भी आपको हम बताएंगे कितने कितने वर्षों का है, हर चीज आपको हम बताने वाले हैं। उसके पहले मित्रों, मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप पोल्ट्री करना चाहते हो, अगर आपको बुक के बारे में, सिलेबस के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में, जैसे हमने ये ग्रुप के बारे में पूरा विश्लेषण करके बता दिया है, के बारे में बता दिया, बी के बारे में, सी के बारे में, जैसे आपको सर्च करना है पॉलिटेक्निक ये ग्रुप बाय सिलेक्शन विथराजेस, पॉलिटेक्निक बी ग्रुप बाय सिलेक्शन विथराजेस, पॉलिटेक्निक डी ग्रुप बाय सिलेक्शन विथराजेस, ऐसे करके जैसे आप सर्च करोगे तो YouTube पर सबसे पहले आपको क्या है हमारा वीडियो ही मिलने वाला है। तो चलिए मित्रों, देरी ना करते हुए एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा, जो हमारा ये ग्रुप है या के ग्रुप है, ये इसका छोटा भाई है, ये इसका बड़ा भाई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जो हमारा ये ग्रुप है ये 3 साल का होता है और जो है ये हमारा ये 2 साल का होता है। डिग्री आपको सेम मिलने वाली है, लेकिन पहले आप अच्छे से समझिए, जो हमारा ये ग्रुप होता है ये क्या है, 10वीं वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं प्लस आपकी 14 साल उम्र होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा के ग्रुप है इसके लिए क्या है 12वीं होना चाहिए, पास हो या पेरिंग हो इससे मतलब नहीं है, है ना। अगर हम के ग्रुप को छोड़ दें, जी हाँ मित्रों सॉरी, ये ग्रुप को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी ग्रुप यहाँ पर आपको मिलेंगे सभी के लिए क्या है 12th मांगा जाता है, सभी के लिए। आप ये ग्रुप को छोड़कर जितने भी ग्रुप हैं आपका क्या है बायो, चाहे आपने 10th में बायो से किया था, मैथ से किया था, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे ये ग्रुप संबंध भरना चाहते हो कोई मतलब नहीं है, किसी से भी अगर आप 12वीं पास हो तो ये को छोड़कर आप सबका फॉर्म भर सकते हो और ये के लिए 10वीं मांगा जाता है। तो देखिए, जो हमारा ये ग्रुप है एक तरह का ये इंजीनियरिंग ग्रुप है, जैसे आप ये ग्रुप से सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, है ना, ये सब ब्रांच सीएस हो गया, तो आप ये ग्रुप से फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आप डायरेक्ट लेटर एंट्री में जाना चाहते हो, के ग्रुप में जाना चाहते हो, तो आप क्या है के ग्रुप से फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एग्रीकल्चर यानी आपको कृषि से यानी कृषि इंजीनियरिंग करना है, कृषि इंजीनियरिंग करना है तो क्या है आप कौन सा ग्रुप आपको चूज करना होगा, बी ग्रुप चूज करना होगा। ये फुल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश पर आपको मिल जाने वाला है, है ना। तो देखिए, आपको एग्रीकल्चर से करना है डिप्लोमा तो आप बी ग्रुप को चूज करिएगा। आप मैक्सिमम 3 ग्रुप को से क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो आप अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो ये के से दोनों से भर सकते हो, है ना। लेकिन देखिए, मैं भी क्या है आपको बता देना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं भी क्या है पोल्ट्री कर चुका हूं, मैं भी 12वीं से ही पोल्ट्री किया था, लेकिन मैं जो मैंने फॉर्म भरा हुआ था वो ये ग्रुप से भरा हुआ था। अब आप कहोगे आप 12वीं भी किए हुए थे तो फिर आपने क्यों भरा, क्योंकि लेटर एंट्री थी। जब आप मेरे मित्रों जाओगे तो आपको क्या है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का दोनों का एग्जाम देना पड़ता है, प्रेशर अधिक रहता है, उससे बच्चों का बैग ज्यादा आता है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप 10वीं पढ़े या 12वीं पढ़े, आप ये ग्रुप से ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मैंने भी किया हुआ था, 90% बच्चे यही करते हैं, है ना, बाकी आप आपकी अपनी मर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप एक टेक्सटाइल या डिजाइनर बनना चाहते हो, जी हाँ मित्रों, आप डिप्लोमा इन टेक्सटाइल से करना चाहते हो या डिप्लोमा इन डिजाइन से करना चाहते हो, तो क्या है आपको क्या है ग्रुप सी चूज करना होगा,
जब फॉर्म भरिएगा तो आपको ग्रुप सी चूज करना होगा। और ये कितने वर्षों का होता है, ये 3 साल का होता है, एग्रीकल्चर वाला भी ये 3 साल का होता है। अब आप क्या है, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट से करना चाहते हो, ये 2 सालों का होता है ऑफिस मैनेजमेंट में। अगर आप अपना फिर कोई बिजनेस डालना चाहते हो, ऑफिस डालना चाहते हो, तो आप डी ग्रुप से करिएगा, ये 2 साल का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। अच्छा, इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भैया डिप्लोमा इन फार्मेसी के कितने कॉलेज हैं, तो मेरी जानकारी में 7-8 कॉलेज हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कहां कहां पर कॉलेज हैं, कितने नंबर तक आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी संबंधित मैंने आपको सिलेबस के बारे में, कौन फार्म भर सकता है, हर चीज मैंने आपको बताया हुआ है। तो जाकर आप उस वीडियो को देखिएगा, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी बाय सिलेक्शन विद राजेश, आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा, है ना। अगर हम बात करते हैं यफ ग्रुप क्या है हमारा और जी ग्रुप क्या है, तो देखिए यफ ग्रुप जी ग्रुप उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यानी बीए बीएससी बीकॉम यानी कुछ भी क्या है, बैचलर है। यानी ये आपके काम की लायक चीज नहीं है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब तो आप इस चीज में क्या है पढ़िए, है ना। और ये 1 साल का ही होता है, बीएससी से जाते हो आप डिप्लोमा करने तो 1 साल का ही करना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी एक काम लायक चीज नहीं है अगर आप 10वीं 12वीं में हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तब तो क्या है आपको करना चाहिए इसमें, है ना, बीएससी वगैरह क्यों है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट से करना चाहते हो तो ये 3 वर्ष का है। और आप समझते हैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, आप अगर आप अच्छे से पढ़ोगे पढ़ाई करोगे तो आप जाकर अपना खुद का भी बिजनेस डाल सकते हो, या आप क्या है आपको बहुत अच्छे, अभी हम नहीं कहेंगे कि आपको बेटर की नौकरी मिलेगी, लेकिन आप एक अच्छे से क्या है जॉब इसमें क्या है, अगर आप कर लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको क्या है प्राइवेट जॉब ईजिली मिल जाती है। आप एक क्या है शिक्षित क्या है आप क्या है रहेंगे, है ना। तो आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट से करना चाहते हैं तो आप फार्म में एच ग्रुप को चूज करिएगा। अगर आप देखें अच्छा होटल मैनेजमेंट का अगर आपको सिलेबस जानना चाहते हो तो हमारा क्या है इससे संबंधित वीडियो बनाया है, तो जाकर आप देख सकते हो। देखिए एयरक्राफ्ट अगर करना चाहते हो डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट से हमारा होता है, तो आप क्या है आपको आई ग्रुप चूज करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता, एल ग्रुप के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यू के बेस पर। जी हाँ मित्रों, इंटरव्यू के बेस पर आपका क्या है चयन किया जाता है, इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है एडमिशन किया जाता है। एडमिशन कब होगा आपको, यानी आपका इंटरव्यू कब होगा, हम जब स्टार्ट होगा तब आपको हम बताएंगे, बस आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। तो डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी के नाम से जानते हैं, ये 1 वर्ष का ही होता है ना। तो जिनको इंटरेस्ट है डिप्लोमा इंडस्ट्री, एक तरह का ये गार्ड के मतलब होता है, आप एक तरह का क्या है सर्वेक्षक के तौर पर काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो आप इस चीज करना चाहते हो तो जाकर क्या है करिएगा। तथा आपके मन में कुछ डाउट हो सकता है कि इन सब का हमें सिलेबस जानना है, इनके बारे में हमें और जानना है, आप तो ग्रुप के बारे में बता दिए, तो आप यूट्यूब पर कोई भी चीज सर्च करना रहा करे, तो जैसे आपको कोई भी चीज सर्च करना है डिप्लोमा इन फार्मेसी बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप अच्छे से सर्च करिए और जाकर हर टॉपिक पर हर चीज पर मेरे वीडियो बनाया है, जाकर आप देख सकते हो। तथा मित्रों आने वाले समय में आपकी क्लासेस बस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, बायो का भी मैं देखिए स्टार्ट करने वाला हूं। तो क्या है आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक करने बारे में सोच रहे हैं उनका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तथा फुल नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हो तो मैं फुल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर पहले ही डाल दिया हूं, तो जाकर आप डाउनलोड कर फाइल सेक्शन में पढ़ सकते हो, या आप जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो संशय जो डाउट आपके मन में होता है वो उनके मन में भी होता है। तो चलिए अच्छा एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक का अगर आप बुक डाउनलोड करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक बुक का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो क्या है आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर 272 पेज का है, कितने पेज का है 272 पेज का, लगभग में 80 MB का है, तो जाकर आप डाउनलोड कर हरिहन का पड़ा हुआ है आप पढ़ सकते हो, है ना। तो जाकर डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, तथा यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।